तो वहीं श्रीगंगानगर के घरसाना में पत्रकार संघ ने एसडीएम संदीप काकड़ को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकारों को कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग की गई। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि संकट काल में पत्रकार सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं और कोरोना काल में भी निडर होकर अपना काम करते जा रहे हैं। इसीलिए पत्रकारों को आर्थिक सहायता के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्यारेलाल थालोट, रामनारायण पारीक, वेद अग्रवाल सहित पत्रकार उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के गढ़साणा एसडीएम कार्यालय में पत्रकार संघ द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्य तौर पर तमाम जो पत्रकार हैं वो मौजूद रहे, क्या मांगे हैं आज ज्ञापन सौंपा गया है इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है गढ़साणा पत्रकार संघ के संरक्षक और वरिष्ठ पत्रकार बजरंग जी सारस्वत। बजरंग जी, आज ज्ञापन सौंपा गया है, मुख्यतः क्या मांग है? मुख्य मांग ये है कि पत्रकारों के लिए जो राजस्थान सरकार की योजनाएं है, जो 50 लाख रुपए क्लेम बीमा जो है, वो उपखंड के पत्रकारों के लिए योजना लागू है नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक लिमिट का दायरा कर रखा है गवर्नमेंट ने। अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए ये सुविधा दे रहे हैं, जबकि अधिकृत उपखंड स्तर पर कोई संवाददाता कम ही होते हैं, जबकि वो काम ज्यादा करते हैं। काम जो लोकल पत्रकार हैं वो हमेशा रिस्क में खेलते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के पत्रकारों को या उपखंड स्तर के पत्रकारों को कोई राजस्थान सरकार से कोई सुविधा नहीं है। हमने आज ज्ञापन में ये मांग की, हमने अभी पिछले दिनों हमारे दो साथी कोरोना के वजह से गए हैं, तो मुख्यमंत्री साहब से ये बात की, ये मांग की है हमने कि इन दो पत्रकारों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए क्लेम और एक एक परिवारजन को सरकारी नौकरी दी जाए, और दूसरे पत्रकार जो हैं काम कर रहे हैं आज कोरोना के विकट हालात में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उचित बंदोबस्त किया जाए, बीमा किया जाए, और जो उपखंड स्तर पर पत्रकार हैं उनको अधिस्वीकृत किया जाए। वहीं पत्रकारों और होकरों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है। अब कोरोना काल में रोजगार के साधन जो है पत्रकार के पास वो है नहीं, विज्ञापन मिलते हैं तो उसका आजीविका चलती है, और कोई पत्रकार को है नहीं। तो हमने माननीय एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि भी जब तक कोरोना काल है तब तक राशन की सुविधा पत्रकारों को भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करके दिया जाए। बिल्कुल, मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि पत्रकारों को अधिस्वीकृत किया जाए और उसके साथ साथ तमाम इस कोरोना काल में सुख सुविधाएं जो है वो दी जाए। वहीं एवन टीवी तमाम लोगों से अपील करता है कि घर में रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इस कोरोना वैश्विक चैन को जो है वो तोड़ा जा सके। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, एवन टीवी, गढ़साणा।